मानव सेवा संस्थान सेवा व यूनाइटेड नेशन से संबद्ध संस्था IOM माइग्रेंट्स लेबर के अधिकारों व उनके परिवार के समन्वित विकास के लिए एक समन्वयन बैठक व माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी के माइग्रेंट्स लेबर को ट्रेनिंग भी दिया गया। बैठक में एजेंसियों के मालिक भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, रेलवे, परिवहन तथा कुछ फैक्ट्री के मालिक भी मौजूद रहे, जिसके संबंध में प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रवासियों के सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल सके, उनको प्रवास के दौरान किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, समय समय पर उनको अपना मजदूरी मिलता रहे। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य प्रवासी हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो, उनको इस पहल से सुविधा मिलेगी। उनको अधिकार दिया है, इसके प्रति उनको सचेत किया जाएगा तथा उनको जिस भी प्रकार की सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधा के साथ साथ अन्य कानूनी सहायता, सरकारी सहायता या जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनका समस्या का हल होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IOM के हेड ऑफिसर संजय अवस्थी तथा प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम सबके बीच में उपस्थित चैंबर ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला जी, माइग्रेंट्स के लिए सभी प्रकार की बेहतर सुविधाएं और सेवा मुहैया कराने के लिए हम समझते हैं इसका एक बहुत सकारात्मक योगदान होगा। अभी इस कार्यक्रम में आने के पहले श्री अवस्थी जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ और मणि जी के साथ में आपसे विचार विमर्श हो रहा था। हमने कहा इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए काम करने का दायरा भी इसमें बहुत बड़ा है। विशेष रूप से माइग्रेंट्स को इंटर स्टेट और इंटरनेशनल जब हम एक दूसरे जगह ले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो इसमें मिडिल मैन के रूप में कंट्रैक्टर आता है। प्रायः आप लोग भी देखते होंगे ईद के बट्टों पर भी माइग्रेंट्स आते हैं, कई छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं, कहीं बिहार के लोग आ रहे हैं, या कभी कभी यूपी के लोग भी कहीं पंजाब जा रहे हैं, कहीं हरियाणा जा रहे हैं। जैसा कि अभी अवस्थी जी ने कहा कि बहुत से लोग साउथ भी जा रहे हैं, तो देश के अंदर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना और एक देश से दूसरे देश जाना, दो प्रकार के माइग्रेंट्स होते जो अनुभव हुए हैं, और खासकर इस पूर्वांचल में किस तरह का माइग्रेंट और वर्कर्स का ट्रेंड है। देखिए, अभी जैसा मंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी अपने उद्बोधन में बोला था कि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है सही जानकारी का अभाव, जागरूकता का अभाव, जिसके कारण जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस पूरे प्रोसेस में। तो उसकी वजह से माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक ऐसे कदम के रूप में अंदर आता है
जिसकी वजह से उन माइग्रेंट्स को उन जानकारियों की संपूर्ण एक उपलब्धता हो जाती है वहाँ, तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, तो उनको अपने अधिकारों के बारे का ज़्यादा ज्ञान होगा और वो कम से कम समस्याओं का सामना करेंगे। अभी इस स्टेज में हम लोग कानूनी मदद को हम लोगों ने शामिल नहीं किया है, लेकिन वो भी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सूची में आगे आने वाले समय में शामिल हो सकता है। देखिए, जो प्रवासी हैं उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल सके, उनके साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न उत्पीड़नात्मक घटना न हो, उनको प्रवास के दौरान किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, समय समय पर उनको अपना मेहनताना मिलता रहे, इस बात को कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के रूप में सकारात्मक पहल ये माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर काम करेगा। आज समय की मांग भी है, प्रायः देखा भी जाता है, चाहे अंतर राज्यीय प्रवासी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो, कभी कभी इस प्रकार की बातें आती हैं कि उस शोषण का शिकार किया जा रहा है, उसे बेघर कराया जा रहा है, उसे समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, वेतन मांगने पर उसे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो हम समझते हैं बड़े इसके पहल से उनको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, उन्हें जागरूक करेंगे, उनके अधिकार क्या हैं इसके प्रति उनको सचेत किया जाएगा, सावधान किया जाएगा, उनको जिस भी प्रकार की सुविधाएं हैं, चिकित्सीय सुविधा के साथ साथ अन्य कानूनी सहायता, सरकारी सहायता या कोऑर्डिनेशन, जिस देश में गए हैं वहाँ से कोऑर्डिनेशन, या यहाँ पर जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं आपसी कोऑर्डिनेशन से बहुत कुछ समस्या का हल होगा। हम समझते हैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस दिशा में एक अच्छा कदम है और इससे प्रवासी कर्मकारों के हितों की रक्षा जरूर होगी।